अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो चलिए हम आपको चिकन कढ़ाई बनाना आज सिखाते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमने लिया है 1 kg चिकन, 1 tablespoon नमक, 2 tablespoon लहसुन का पेस्ट, 2 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1 tablespoon ज़ीरा, 1 tablespoon हल्दी, 2 tablespoon चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी अदरक, 1 नींबू, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं और हरा धनिया भी थोड़ा सा जितना आपको सही लगे, 1 cup ऑयल, 2 बारीक कटी हुई प्याज, 1 किलो टमाटर लिए हमने, 200 ग्राम दही लिए। तो चलिए हम अपनी कढ़ाई बनाते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे, फिर जब ऑयल गर्म हो जाएगा हम उसमें प्याज ऐड कर देंगे और फिर उसको हम मिक्स कर लेंगे, प्याज को प्याज डाल के। जब हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी हम उसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन के बाद हम उसमें डालेंगे टमाटर और फिर उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे टमाटर थोड़ी देर तक पकते रहेंगे, आप लोग देख लें इस तरह के हो जाएंगे। अच्छी तरह से हमें टमाटरों को पकाना है। जब हमारे टमाटर अच्छी तरह पक जाएंगे हम उसमें हमारे सारे मसाले डाल देंगे जो हमने आपको दिखा दिए थे एक बार, और फिर उसको हम मिक्स कर लेंगे टमाटर में डाल के। तो हम अच्छी तरह से टमाटरों को भूनते रहेंगे, देख लें जब तक वो अच्छी तरह से नहीं भुनेंगे। इसको और थोड़ी देर बाद मिक्स भी करते रहिएगा वरना खाना जल भी जाता है। लोग देख लें हमारे टमाटर को अच्छी तरह से पका रहे हैं हम। जब टमाटर पक जाएंगे उसमें हम डालेंगे दही। आप लोग भी ऐसे ही जब टमाटर आप लोग के पक जाए ना आप भी दही डाल दीजिएगा। दही डाल के हम इसको अच्छी तरह से फिर से भूनना है, पकाना है। फिर जब ये पक जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन। ये हमने चिकन डाल दिया, अब हम चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लोग देख सकते हैं हम कैसे पका रहे हैं, आप लोग भी ऐसे ही पकाइएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी कढ़ाई को, हम अब चिकन डाल के भी इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे पहले। आप लोग देख सकते हैं हमारी कढ़ाई, कढ़ाई में हमने पानी इसलिए नहीं डाला क्योंकि है ना टमाटर वैसे ही खुद से पानी बहुत छोड़ देते हैं, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हमारी अभी ये कढ़ाई अच्छी तरह से पक गई हम इसमें डालेंगे सारे हमारे मसाले, ये भी हमने आपको दिखा दिए थे। ये सब मसाले डाल देंगे हम इसमें। इसको ये हमने इसमें मेथी भी डालनी है और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये सब चीज़ें ना मिक्स हो जाए। तो हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब जब हमारी कढ़ाई अच्छी तरह से बन जाएगी हम इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, 1 पूरा नींबू हमने इसमें डाला है ताकि थोड़ी और ज़्यादा खट्टी बने। नींबू डाल के हम इसको फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे,
तो ये हमारी कढ़ाई बन चुकी है माशाल्लाह से। अब हम इसको प्लेट में सर्व करके भी आप लोग को दिखाएंगे हमारी कढ़ाई, आप लोग देख लें। आप लोग देख लें हमारी कढ़ाई हम प्लेट में निकाल रहे हैं, अरे कितने मज़े की लग रही है। ये हमारी कढ़ाई प्लेट में हमने निकाल ली है, अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग हम करेंगे अदरक, हरे धनिया और नींबू के साथ। आप लोग देख लें हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस पर डालेंगे हरा धनिया, फिर उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी अदरक से गार्निशिंग करेंगे। और फिर उसके बाद हम नींबू भी इस पर डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी कढ़ाई माशाल्लाह से इतनी लजीज बनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।